हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजिस्ट स्टडी। हाँ, आपको पंचायत सचिव में कंप्यूटर स्किल टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आपको इससे पहले वाला वीडियो में सर ने भी बता चुके हैं, हम भी बता चुके हैं कि एमएस वर्ड कैसे यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल कैसे यूज किया जाता है। तो आज हम और सैम्पल कोर्स से देख के आपको और क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो में एमएस वर्ड में बताए थे, ओपन करना है 30 मिनट का टाइम, फिर उसमें आपको एमएस वर्ड में पैराग्राफ आपको टाइप करना है, लिखना है, फिर उसके बाद आपको एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है। एक्सेल में एक्चुअली होता क्या है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एवरेज परसेंटेज सब निकाला जाता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दो चीज को आप पावर पॉइंट में शो करेंगे, ठीक है, उसमें प्रदर्शन करके अब उसको तीनों में सेव एज करके आप क्या करेंगे, फिर आपका ईमेल में जाके आप ईमेल सेंड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब तो आप देखिए, हम एमएस वर्ड में बता चुके थे, आप देखिए आपका एमएस एक्सेल खुल गया। ठीक है, एमएस एक्सेल का ओपन कर दिए, हम बताए थे कैसे ओपन करना है। राइट हैंड साइड में टॉप में जाके जो टाइप फेयर बटन है, वहां जाके क्लिक करेंगे एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल आ जाएगा। एमएस एक्सेल को ऑन कर दिए, उसके बाद देखिए ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले बेसिक चीज क्या है जानना जरूरी है, कि ऊपर में ए बी सी डी जो है ये आपका कॉलम बोला जाता है, और 1 2 3 4 5 6 ये आपका रो है। ठीक है, तो ये देखिए हम कुछ लिखे नेम, ठीक है, A5 यहाँ पे टॉप में A5 शो कर रहा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो आप कौन सा कॉलम में और कौन सा रो में लिख रहे हो। ठीक है, पहला वाला कॉलम है, सेकेंड वाला रो है, D5 मीन्स D कॉलम 5 रो। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन हम लेके आए, जो कोई स्कूल का आपको मार्कशीट स्टूडेंट का मार्क्स बनाने दिया गया, उसमें टोटल लॉगिन किया हुआ का मार्क्स ऐड करके टोटल एवरेज परसेंटेज रियल ग्रेड ऐसे निकलने के लिए अगर मान लीजिए आ गया है, तो आपको निकलना है कैसे, टोटल करना कैसे, एवरेज करना कैसे, परसेंटेज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉप में हम लिए ब्राह्मणपुर हाई स्कूल। ठीक है, तो ये लिखने बाद इसको देखिए अलर्ट ब्लू है, तो हम ऐसे ब्लू करके आपको रखे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे आप चेंज भी कर सकते हो वो देखिए। टॉप में देखिए यहाँ होम में जाके ये सारा बटन खुल जाएगा, तो यहाँ आके आप ये सिलेक्ट करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, 28 कर दिए, बड़ा कर दिए। उसके बाद ये बोल्ड है ऑलरेडी, तो इसको और एक बार क्लिक करेंगे तो बोल्ड से हट जाएगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो गया। ठीक है, अंडरलाइन है ऑलरेडी, फिर देखिए एक बार हटा दिया, अंडरलाइन हट गया। इसको अंडरलाइन करने के लिए ये यू वाला बटन दबेंगे। ठीक है, इटैलिक करना है तो आई दब देंगे, ये इटैलिक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कलर चेंजिंग है, इसमें आप कुछ भी कलर लेके ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हम यही कलर रख दिए। इसके बाद ये जो सब टाइटल है ये भी सेम है, ये फॉन्ट साइज इसका ये भी चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज। ठीक है, ये देखिए हम 24 कर दिए, और इसका भी कलर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, तो हो गया। इसके बाद देखिए एक एक चार्ट बना रहे, यहाँ नेम है, फिर मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, 5 सब्जेक्ट है, तो इसको टोटल करना है। सबसे पहले टोटल करना है, तो टोटल करने का हम आपको बताए थे 365 कैसे आया, ये देख लीजिए कि हम बोले थे इक्वल सम, फिर ब्रैकेट, फिर जिसको जिसको ऐड करना है अब लिखेंगे, फिर एंटर हो गया। ठीक है, इक्वल सम करके हम पहले बताए थे आपको, और एक उपाय जो है वो है आपका जस्ट जिसको जिसको ऐड करना है उसको आप खींच लीजिए। ठीक है, टोटल ऑप्शन में जाके ऑटो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड टॉप में ऑटो सम है, इसको क्लिक कर दिया, आ गया 365। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक बैठ के तो ऐड नहीं करेंगे, टाइम हमको बचाना है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में हमको ये एक्सेल का सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, इसको हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो ये सारा जो है सारा डाटा ऐड हो गया। तो ये आकाश का हम टोटल कर रहे थे, सारा कोई का हो गया, दीपा, सौरभ, मोनल, इसिता, सबका देखिए टोटल ऑप्टेन कितना आया, सब आ गया। ठीक है, इसके बाद वाला बॉक्स क्या है, टोटल है सबका 500 में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, टोटल ऑप्टेन है, आप देखिए एवरेज कैसे निकाले, एवरेज निकालने का भी सेम तरीका, देखिए इक्वल एवरेज ब्रैकेट
किसका एवरेज निकल रहे हैं, ये पांचों का, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया ना 73। अब ये सब हम आपको हटा के दिखाते हैं कि ये भी देखिए ड्रैग करने से सबका एवरेज आ गया, ठीक है, ये भी हो गया आपका इक्वल एवरेज करके। आप देखिए परसेंटेज कैसे निकलते हैं, ठीक है, परसेंटेज भी इजी है, परसेंटेज में क्या करेंगे इक्वल, फिर जो देखिए टोटल ऑप्टेन कितना है डिवाइड बाय, देखिए ये डिवाइड है टोटल ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल, आ गया ना 73%। अब देखिए ये सब हटा दे रहे हैं, फिर इसको ड्रैग करने से सारा आ गया। ऐसे जल्द से जल्द आपको करना है, ठीक है। अब देखिए ये पास फेल कैसे होता है, ठीक है, पास फेल मतलब अगर आपको करना है 73% पास हुआ या फेल हुआ ये कैसे करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि कुछ नहीं करना है, खाली इसमें जो एवरेज का जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आपका पास कितना मार्क्स में होता है 35 में होता है ना, अगर 100 मार्क्स में 35 पास मार्क्स है, तो अगर 35 से या जो ऑप्टेंड हुआ तो वो अगर ज्यादा हो गया तो आप पास हो, अगर कम हो गया तो आप फेल हो, तो यही कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे तो हो गया ना। तो देखिए इक्वल इफ क्या लिखे हम, इक्वल इफ ब्रैकेट, ठीक है, फिर टोटल ऑप्टेन जो है, सॉरी टोटल ऑप्टेन नहीं, एवरेज को लेंगे तो जल्दी आएगा ये जो एवरेज मार्क्स है, जैसे अगर ग्रेटर देन 35 हुआ देन कॉमा पास, ठीक है, इसके बाद फिर हम इफ लेंगे, इफ एवरेज मार्क्स लेस देन 35 आया देन क्या होगा फेल हो गया। फिर इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे, देखिए कितना है 1 2 ऐसे क्लोज किया जाता है, ठीक है, ब्रैकेट एक बार ओपन हो जाता है फिर लास्ट में इसको ऑफ करते हैं। अब देखिए इसको एंटर मारे तो देखिए पास आ गया, क्योंकि 35 से ज्यादा आया है 73 आया है। अब देखिए ये सब हटा देते हैं, इसको भी ड्रैग कर देंगे तो सबका वैल्यू आ जाएगा, देखिए कैसे आ रहा है, आ गया ना, ये देखिए 23% फेल बता दिया, बाकी सब पास है, ठीक है। अब ग्रेड भी सेम तरीका है, ग्रेड में भी हम वही करेंगे जहां पास लिखे हुए हैं, जैसे 35 से ज्यादा है तो पास ही, यहां पे ग्रेड सेम है। अगर मान लीजिए ये आपका 80 से ज्यादा हुआ ज्यादा आया तो ए होगा, अगर 70 से ज्यादा आया तो बी आएगा, अगर 60 से ज्यादा आया तो सी आएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे देखिए हम बताए हैं ऊपर में फॉर्मूला, देखिए इक्वल इफ लिखेंगे फिर जे सिक्स ग्रेटर देन 80 फिर कॉमा फिर ए लिखेंगे, इफ जे सिक्स ग्रेटर देन 70 आया देन बी, इफ जे सिक्स ग्रेटर देन सी देन सी, तो ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ टोटल निकलने का, एवरेज निकलने का, परसेंटेज, रियल ग्रेड, ठीक है। अब अगर इसको आपको क्या करना है, देखिए आउटसाइड बॉर्डर देना है, ऐसे नहीं देना है, पहले
प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हम इससे बाद वाला वीडियो में हम बताएंगे कि इसको बॉर्डर कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मल आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट करके ये वाला बटन जो है इसको क्लिक करके इसको ऑल बॉर्डर में डाल देंगे तो ये इसमें बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फाइल को आप सेव करेंगे, देखिए इसको डेस्कटॉप में आपको सेव करना है तो सेव एज में जाके हम सेव एज में गए, फिर इसके बाद हम कहाँ सेव करेंगे, डेस्कटॉप में इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए डेस्कटॉप में ही है, JSSC सेव हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेल में, फिर वर्ड में हम कल बताए थे आपको, ठीक है। ये देखिए ये आपका टॉप हेडलाइन है, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, ये भी सेम है, इसको बोल्ड हम ऐसे करते हैं, फिर इटैलिक ऐसे, अंडरलाइन ऐसे, ये भी सेम है, कलर चेंज ऐसे, ठीक है। फिर इसको बड़ा करेंगे ऐसे नॉर्मल, फिर इसको अगर आपको कुछ साइज दिया जाएगा उस साइज में करना है तो ये सिलेक्ट करके कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके बाद स्पेस कैसे करना है, अगर मान लीजिए ये राम मोहन का जन्म ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, इसके बाद बीच में जो स्पेस होना है ये आपको बोल दिया गया कि कितना स्पेस होगा, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद टू में क्लिक करेंगे, ठीक है, टू में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ जाके टू में क्लिक किए तो देखिए आ गया, ठीक है, ये वाला जो गैप है टू है, ऐसे करके फिर आप टाइप करेंगे नॉर्मल, हो गया। ये वर्ड में भी हम बताए थे, फिर अच्छे से समझने के लिए पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इसको भी सेव एज में जाके हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेव करेंगे आपका डेस्कटॉप में, ठीक है, आ गया। अब हम पावर पॉइंट खोलेंगे, ठीक, पावर पॉइंट में जाके देख, पहला में अगर मान लीजिए आपको पहला पेज में बोल दिया गया कि आप रोल नंबर लिखिए, फिर और क्या लिखिए, नेम लिखिए, ठीक है, रोल नंबर लिखने के लिए अगर आया लिख लिया, फिर उसके न्यू स्लाइड में हम जाएंगे, इसको अगर ब्लैंक करना है, देख नीचे वाला ऑप्शन ब्लैंक है, ठीक है, न्यू स्लाइड में जाके ब्लैंक कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको वो जो वर्ड में आप सेव किए उसको लाना है, ठीक है, तो इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो इंसर्ट बटन में जाके ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद आपका ये फ्रॉम फाइल आएगा, ब्राउज करेंगे हम कहाँ सेव किए थे वहां से ले सकते हैं, इसलिए ब्राउज किए, फिर डेस्कटॉप में जाएंगे, ठीक है, डेस्कटॉप में गए, फिर कौन सा फाइल था मेरा, JSSC फाइल था, ठीक है, JSSC का ये जो पावर पॉइंट है ये JSSC का वर्ड है, तो वर्ड ले लिए, देखिए वर्ड का जो फाइल है वो आ जाएगा, ठीक है, अब वर्ड में सेव किए थे देखिए आ गया। फिर इसके बाद हम इसे नॉर्मल तरीके से आपको दिखा रहे, फिर हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिर हम एक्सेल का जो है वो लेंगे, डेस्कटॉप में हम सेव किए थे, फिर एक्सेल का, इसमें अभी मतलब डेस्कटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए इतना लेट हो रहा है आपका, आप जब एग्जाम होगा तो आपको अच्छा डेस्कटॉप दिया जाएगा, तो ये जल्द से जल्द अगर ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे उसके बाद माउस करेंगे तो ये जल्द से जल्द इन्हें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पावर पॉइंट में ये देखिए आ गया, इसके बाद अगर लास्ट वाला में थैंक यू लिखना है तो इसमें थैंक यू लिख दीजिएगा, इसके बाद इस चीज को आप सेव कर लेंगे, इसको भी सेम तरीके से डेस्कटॉप में सेव करेंगे,